back to another video. So, आज की वीडियो जो है ना मोस्ट प्रॉब्लम मेरी फेवरेट है. बेसिकली मैं बचपन से चाहती थी जब मैं लोगों की देखती थी ना व्हाट्स इन माय बैग, सो मुझे होता था कि मैं कब बड़ी होंगी और मेरे पास कब इस तरह की चीजें आएंगी और कब मैं अपने यूट्यूब चैनल पर इस तरह की वीडियो लेकर आऊंगी. सो टुडे इज द डे. और बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा भी था कि व्हाट्स इन योर बैग, बैग कलेक्शन और बहुत कुछ, वो सब भी आएगा आगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम करेंगे व्हाट्स इन माय बैग चैलेंज. दिस इज माय बैग. बेसिकली ये बहुत क्यूट और छोटू सा बैग पैक है और मैं एक बैक पैक पर्सन हूँ, क्योंकि मुझे शुरू से जो है ना वो बड़े बड़े बैग लेने का शौक नहीं था. मुझे बैक पैक का बहुत ज्यादा शौक था बचपन से. मैंने एक वक्त पूरी कलेक्शन बनाई थी अपने बैक पैक की, अब तो काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं, लेकिन उनमें से एक फेवरेट बैग मेरा ये भी है छोटू सा. तो अब से देखते हैं कि मैं इसमें क्या क्या रखती हूँ. पहले इस बैक पैक में ये दो पीचेस लगी हैं जो मुझे इसमें बर्थडे गिफ्ट मिली थी, बहुत प्यारी थी, मेरे भाई ने दी थी. सबसे पहले हम छोटी वाली पॉकेट खोलते हैं और देखते हैं क्या है. देखो सबसे पहले तो मेरे पास होता है मेरा फोन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. मोस्टली तो ये मेरे हाथ में रहता है क्योंकि मैं इससे ब्लॉगिंग करती रहती हूँ, लेकिन कभी कभी ये बैग में भी जाता है जब इसकी ज़रूरत नहीं होती, और ऐसा होता नहीं है कि इसकी ज़रूरत ना हो. द नेक्स्ट थिंग जो मेरे इस छोटू से पॉकेट में है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा बैग अच्छी तरह से. तो सबसे पहले है एक बैंडेड, यानी जो पट्टी बैंडेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कभी भी कुछ भी लग वगा जाती है तो उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट थिंग इज द लेंस केस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. मेरी आईज काफी ज्यादा वॉटरी है और जब मैं लेंस लगाती हूँ तो बहुत सकते हैं. आप अगर मुझे पहले से फॉलो करते हैं तो यू प्रोबेबली नो दैट. और इसके साथ ये एक दो टूल आते हैं और छोटू सा मिरर भी आता है जो कि बहुत हैंडी और हेल्पफुल भी है. सो ये बहुत अच्छी किट है और ये मुझे ऐसा यूजफुल लगती है, तो ये मैं हमेशा अपने बैग में रखती हूँ. ओके, तो इस पॉकेट में जो लास्ट चीज मुझे वो दिख रही है वो है एक ये पाउच, जिसके अंदर मैं वो चीज रखती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लड़की के लिए. दैट वॉज पोनी और बाल पिक. ये दो चीजें ऐसी चीजें हैं, या केचर भी कह सकती हूँ. मैं केचर नहीं रखती क्योंकि मेरे बाल इतने ज्यादा मोटे नहीं है, तो वो पोनी में भी कवर हो जाते. सो ये मेरे पास एक छोटी सी क्यूट सी पोनी है, पिंक कलर की. ये दो ब्लैक पोनीज हैं और इसके अंदर है छोटी सी बाल पिक. ये बहुत हैंडी और बहुत यूजफुल भी है. इस छोटी सी पॉकेट में सिर्फ इतना ही सामान मैं रखती हूँ और अब इस बड़ी पॉकेट में चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या है. ओके, सो सबसे पहले चीज है वो है मेरे पास एयरपॉड्स, और एयरपॉड इज मस्ट फॉर मी बिकॉज मैं सॉन्ग सुनती हूँ और मुझे वो सफर बहुत बोरिंग लगता है जिसमें सॉन्ग ना हो, तो मुझे ये इसकी आदत है. द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव इज द मास्क. मास्क वैसे अब इतनी ज्यादा नीड नहीं होती इसकी, लेकिन मैं इसको रखती हूँ क्योंकि बाद जगह पे मुझे कहीं ऐसी जगहों पे जाना होता है तो लोग मुझसे फिर ना मुझे देख लेते हैं, फिर आकर मुझे कमेंट करते हैं कि मैं हमने आपको वहां देखा था वहां देखा था, और जहां मैं नहीं चाहती तो इस वजह से मैं मास्क लगा लेती हूँ ताकि कोई मुझे पहचान ना सके, और मोस्टली लोग मुझे मास्क में भी पहचानता. सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट आई हैव इज द चार्जर, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है. वैसे तो मैं पावर बैंक लेकर रखती हूँ, लेकिन अभी मेरा पावर बैंक मिल नहीं रहा, मिसप्लेस हो गया. लेकिन चार्जर की वैसे मतलब ट्रैवल में तो चार्जर की नीड होती नहीं है, मुझे पावर बैंक की नीड होती है, तो मैं वो अपने साथ रखती हूँ. नेक्स्ट आई हैव दिस क्यूट लिटल डिब्बी, और इसके अंदर जो है वो है ये कुछ इयररिंग्स और ब्रेसलेट, क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अर्जेंट निकलती हूँ और ना मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं होता और इवेंट में मुझे जाना है, इस वजह से मैं ये चीजें रखती हूँ ताकि छोटी मोटी चीजें पहन सकूँ. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज दिस इटर आई हैव, और ये काफी अच्छा इटर है, मुझे इसका फिट बहुत पसंद है. द नेक्स्ट इज दिस मेकअप रिमूवर. कभी हम रात में बहुत देर में इवेंट से शादी वगैरह से आ रहे थे, बहुत घबराहट होने लगती है, इस वजह से मैं ना मेकअप रिमूवर साथ रखती हूँ कभी कभार और इससे मेकअप रिमूव कर लेती हूँ. ठीक है, द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव दिस क्यूट लिटिल स्पीकर. ये बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है और ये सबके काम आ जाता है, तो इसलिए मैं अपने पास रखती हूँ. जैसे मेरे भाई को भी सुनना होता है तो हम उससे ले लेते हैं, तो ये मैं अपने पास रखती हूँ हमेशा ये स्पीकर छोड़ता. ठीक है, द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव ये क्यूट सा ऑल है. आई डोंट नो ये मैंने क्यों रखा है, बट हाँ मुझे ना ये पसंद है तो मैं इसको, क्योंकि जिस
तरीके का है और मुझे क्यूट सा पसंद है तो मैं स्वयं को रख लिया था, लेकिन देखिए ज्यादा कोई काम करता नहीं। इसके बाद मेरे पास है छोटा सा टेलकॉम, मैं बड़े कॉम्ब नहीं रखती हूँ। एक तो मेरे बाल टेलकॉम से कॉम्ब से किसी कॉम्ब से सुलझ जाते हैं क्योंकि इतने मोटे और खड़े तो है नहीं, सो ये काफी आसानी से मतलब मेरे बालों से जाते हैं, मेरे बालों से सुलझ भी जाते हैं, तो छोटा भी है, हैंडी भी है, तो उससे भी। इसके बाद हमारे पास है ये क्यूट सा मिक्की माउस, और ये पाउच मुझे याद है, ये एक वो होता था, ये साइड बैग है, बैक साइड था, और ना ये मैंने बहुत 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 जैसे मंगवाया था गिफ्ट के लिए, मुझे अच्छा याद है कुछ साल पहले की गिफ्ट के काम मंगाया था, तो ये बहुत प्यारा है, मुझे बहुत पसंद आया था। इसके अंदर मैं रखती हूँ टिश्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं, मुझे उस तरह के वो पैकेट वाले टिश्यूज नहीं पसंद, तो मैं अपने घर के रखती हूँ क्योंकि मुझे इसी की आदत है मोस्टली। और इसमें है कुछ पैसे पड़े हुए हैं, और इतनी अमीर तो मैं हूँ नहीं, तो थोड़े बहुत पैसे ही हैं। और द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव द लिप बाम, क्योंकि आई नो ये बहुत बड़ा कोई लिप बाम का, लेकिन मुझे ये वाला लिप बाम पसंद है, मुझे अच्छा लगता है ये, तो मैं यही वाला यूज करती हूँ। ओके सो द नेक्स्ट थिंग इज दिस सेल्फी लाइट, बेसिकली इसको प्रेस करोगे तो ये मतलब अभी रात वगैरह में सेल्फी ले रहे हो, रात हो और ना आप कार में हो तो लाइट इतनी नहीं होती, तो इस वजह से ना आप ये ले जा सकते हो और उसको तरफ से अपने कैमरे पे लगाओ, और ये पिक्चर बहुत अच्छी आ जाती है, इससे लाइट एकदम पड़ती है ना कुछ। द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव इज दिस सनब्लॉक, और सनब्लॉक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ और सबकी लाइफ में होनी चाहिए, क्योंकि सनब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और गर्मियों में तरह की गर्मी आजकल पड़ रही है तो ये तो बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे पास ये ऑलिव नेचर की है, इसका फुल रिव्यू मेरे इंस्टॉक वगैरह का आपको मिलेगा, आप जाकर देख सकते हैं। और इसके बाद इसमें ये छोटा सा नेल कटर, वैसे इसकी ज्यादा नीड नहीं होती, इसलिए मैंने रखा हुआ है बाई चांस। द थिंग इज दिस नेक्स्ट थिंग, ये है एक पाउच, और ये पाउच मुझे जब पीआर पैकेज जाता है तब से मेरा दिल आ गया, इस पाउच बहुत प्यारा है, ठीक है। इसमें मेरे पास कुछ मेकअप का सामान है, जैसे जैसे बता देती हूँ क्या क्या सामान है, लंबे नहीं करूंगी। तो सबसे पहले मेरे पास एक ये ब्रश है, फ्लफी सा पाउडर ब्रश, एक कंसीलर है मेरे पास, और एक मस्कारा है, और एक क्यूट सा ये मैंगो वाला स्पंज है, और मेरे पास एक लिप पाउडर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे पास है एक ये बीबी क्रीम, फाउंडेशन नहीं रखती मैं, और एक ये लिपस्टिक है न्यूड शेड की, और कभी मैं मोस्टली लिपटिंट प्रेफर करती हूँ तो मैं ये लगाती हूँ कभी कभी, और ब्लश ऐसा ब्लश भी ये वर्क करता है। और इसके अलावा मेरे पास है ये हुदा ब्यूटी की ही, बेसिकली ये मुझे ऐसा गिफ्ट मिली थी बहुत सारी, तो ये न्यूड शेड की दो लिपस्टिक नील पेंट मैंने रखी थी इसके अंदर। ओके सो द लास्ट थिंग आई थिंक लास्ट सेकेंड लास्ट मेरे पास ये है, ये बेसिकली एक छोटा सा मिरर है जो कि मैंने अपना खुद से कस्टमाइज करा है, मतलब ये छोटा सा मिरर था और मैं इसे वुडन के स्टिक पर लगा दिया ताकि मैं आराम से अपना फेस वगैरह देख सकूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वैसे सब पर्सनल, ठीक है। द लास्ट थिंग दैट आई हैव इज द घर की चाबियां, घर की वैसे तो ये सबके पास होती है हमारे घर में, कोई भी खोल देता है, और यार मुझे सबसे क्यूट ना ये लगाता है, देखो चप्पल बहुत क्यूट से मतलब उसके किचन के अंदर है, और ये वैसे तो सबके पास होती है मोस्टली, लेकिन मैंने भी अपने पास रखी है। सो दिस इज द ऑल थिंग दैट आई हैव, आई थिंक दिस इज इनफ राइट, आई होप दैट यू गाइस लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज पिक अ थम्स अप, और वीडियो को लाइक करके जाना, और प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।